हाय एवरीवन, स्वागत है हमारे न्यू वीडियो के अंदर। आप देख रहे हो टेक्निकल अल्ताफ और मेरा नाम है अल्ताफ। आज मैं आपको दो तरीकों बताने वाला हूं कि आप स्नैपचैट अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो फाइनली आपको स्नैपचैट अकाउंट को डिलीट करना नहीं आता तो बने रहिए इस वीडियो पे एंड तक। तो चलो जल्द से जल्द बिना कुछ बकवास के फ्रेंड अपने स्नैपचैट के अंदर आने के बाद आपको कुछ एक इस तरह का पेज मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह का पेज मिलने के बाद आपको अपने लोगो का ऑप्शन मिल जाता है, इसको पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट शो हो जाता है, अपना यूजर नेम देख लेना अच्छे से। आपको यहाँ पे देख सकते हो अल्ताफ अली 078 है मेरा यूजर नेम। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना, आपको सेटिंग ऑप्शन मिल जाता है, इसको पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल शो हो जाती है, अपना नाम, यूजर नेम, बर्थडे और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूरा शो हो जाता है। तो आपको फाइनली आपको क्या लेना है, नीचे आ जाना है। तो जैसे मैं अपने नीचे चलता हूँ, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे वो ऑप्शन मिल जाता है आई नीड हेल्प का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। फाइनली इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का नया पेज देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे नीचे कर लेना है और आपको यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको देख सकते हो दो नंबर पे एक ऑप्शन मिल रहा है मैनेजिंग माई अकाउंट, तो आपको यहाँ पे नहीं मिलता था। आपको यहाँ पे थ्री लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाए है तीन नंबर पे मैनेजिंग माय अकाउंट का। तो फाइनली मेरे अकाउंट यहाँ पे बार मिला हुआ है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने वाला आपको यहाँ पे एक दो नंबर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना। तो यहाँ पे आपको दो नंबर ऑप्शन क्या है, डिलीट और रीएक्टिवेट माय अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर आपको फिर से एक ऑप्शन आ जाता है, यानी आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है, हाउ टू डिलीट माय स्नैपचैट अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। फाइनली इसके ऊपर क्लिक करने वाला आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। नीचे आने वाला आपको यहाँ पे एक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है, अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या कर लेना है, फाइनली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको ओपन इन स्नैपचैट, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। नहीं है तो आपको यहाँ पे नीचे आना है और फिर आपको यहाँ पे डिलीट माय अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक नया पेज देखने को मिल जाता है। तो फाइनली आपको ये तरीका काम ना आए तो आपको मैं एक दूसरा तरीका भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो क्योंकि किसी किसी फ्रेंड को ये भी तरीका यानी अवेलेबल नहीं बताता, तो आपको भी क्या करना है, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है और फाइनली आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो फाइनली मैं अभी क्या करता हूँ, अपने आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, फाइनली आ जाना है बैक, तो आपको अपने स्नैपचैट से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको क्या कर लेना है, अपने गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है स्नैपचैट सपोर्ट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ स्नैपचैट सपोर्ट, तो जैसे ही मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे एक लिंक मिल जाता है एक नंबर पे, यानी फर्स्ट पे लिंक मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे मैनेजिंग माई अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से ऑप्शन मिल जाता है डिलीट और रीएक्टिवेट माय अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हाउ टू आई डिलीट माय स्नैपचैट अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको अकाउंट को ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं अकाउंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो फाइनली आपको क्या लेना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे डिलीट माय अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है, फिर से आपको वही ऑप्शन मिल रहा है, वैसे ही हेडिंग मिल रही है, पर आपका वहाँ पे तरीका काम नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे 100% आपको यहाँ पे यानी आपका अकाउंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देख सकते हो 30 दिन से पहले आप अपना स्नैपचैट को वापस लॉगिन करना चाहते हो तो आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 30 दिन के बाद अपना स्नैपचैट अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हो तो आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो आप स्नैपचैट को अकाउंट को 30 दिन से आप अपना लॉगिन नहीं करना है तो आप लॉगिन मत करना, आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो फाइनली जैसे मैं अपना अकाउंट का यहाँ पे पासवर्ड डाल लेता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाला, फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाता है, कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। फाइनली जैसे मैंने यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो आपका फाइनली अपना स्नैपचैट अकाउंट डिलीट हो चुका है। और आप बोल रहे हैं 30 दिन से पहले आप अपना स्नैपचैट अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हो तो फाइनली लॉगिन कर सकते हैं, बाद में आप अपना स्नैपचैट को अकाउंट को लॉगिन नहीं। उम्मीद है आपसे कि आप वीडियो आपको पसंद आया होगा, सीखे होंगे आप अपना स्नैपचैट अकाउंट को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को करते हैं सब्सक्राइब, और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।